26 अगस्त को भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सुप्रीमो और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धनबाद में थे। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। इस दौरान कहा कि सत्ता और प्रतिपक्ष को अब अपनी रार छोड़कर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस ने जो नई कार्य समिति बनाई है उसमें झाबमो से गए बंधु तिर्की को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वे जब कांग्रेस के पदाधिकारी हो सकते हैं तो उसके विधायक क्यों नहीं हो सकते। सरकार को बंधु तिर्की प्रदीप यादव को कांग्रेस का विधायक मानना चाहिए और इसी आधार पर बाबूलाल मरांडी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य प्रतिपक्षी दल के रूप में भाजपा है, ऐसा नहीं होने पर भाजपा में भी नेताओं की कमी नहीं, लिहाजा उन्हें भी रार छोड़कर बाबूलाल की बजाय किसी अन्य को विधायक दल का नेता चुनकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने लाना चाहिए ताकि सहमति बन जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।